नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जनरल डिब्बे को लेकर रेलवे ने किया बड़ा खुलासा, अब मिलेगी ये नई सुविधा। रेलगाड़ियों में बिना एसी वाले जनरल क्लास की बोगी अब जल्द ही इतिहास बन जाएगी। रेल मंत्रालय लंबी दूरी वाली यात्रा आसान बनाने के लिए जनरल कोच को वातानुकूल यात्रा में बनाने के जा रहा है। ये नए इकोनॉमी एसी कोच नई पटरियों पर आधुनिक तकनीक से कदम ताल करते हुए 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती है। अब यही रफ्तार और एसी की सुविधा सेकेंड क्लास जनरल कोच में भी मिलेगी। रेल मंत्री का पद भार संभालते ही अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर रेल यात्रा को ज़्यादा लोकप्रिय और सुखद बनाने का संकल्प किया था। उसी सिलसिले में ये कदम उठाया गया है। उम्मीद है कि अगले महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। रेल यात्रियों के मुताबिक अभी जनरल सेकेंड क्लास कोच में करीब 100 यात्री बैठ सकते थे। इन कोचेस को बनाने की लागत करीब 2.24 करोड़ रुपए प्रति कोच आती है। वहीं नए जनरल सेकेंड क्लास कोच में इससे भी अधिक यात्री बैठ सकेंगे। नए कोच 130 किलोमीटर प्रति घंटा तब की स्पीड से दौड़ सकेंगे, जबकि पुरानी चाल के नॉन एसी कोच अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल सकते हैं। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम आगे बढ़ चल रहा है। इन कोचेस में सफ़र सस्ता होगा, इससे उन यात्रियों को सफ़र आसान होगा जो वातानुकूलित यान में सफ़र करने के लिए महंगी टिकट नहीं खरीद सकते। यानी गरीब रथ जैसा किराया देकर वो जनरल कोच में सफ़र कर सकते हैं। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन कोचेस में 100 से 125 यात्रियों की बैठने की क्षमता होगी। पूरी तरह रिवर्स रिजर्व सीटों वाले कंपार्टमेंट सेंसर युक्त ऑटोमेटिक खुलने बंद होने वाले दरवाजों से लैस होंगे।